दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपके कुछ क्वेश्चंस, उसका मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा आपको। इसमें हम कवर करेंगे कि आप कैसे मलेशिया जा सकते हैं और कितनी कॉस्ट रहेगी, कितना क्या रहता है, कौन कौन से काम हमारे पास अवेलेबल हैं, किस टाइप के वर्कर्स को नहीं जाना चाहिए, किस टाइप के वर्कर्स को जाना चाहिए। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस आए थे टूरिस्ट वीज़ा पे जाके, अभी वहाँ पे वर्क वीज़ा कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि टूरिस्ट वीज़ा पे अगर आप जा रहे हो तो टूरिस्ट का मतलब सिर्फ घूमना है, वहाँ पे जाके कन्वर्ट नहीं हो रहा है। और पिछले 2 सालों से मैं बहुत वीडियोज़ मैंने बनाई हैं कि मलेशिया अगर जाना है तो प्रॉपर वर्क वीज़ा पे जाओ, इंडिया से वर्क वीज़ा पे जाओ। अगर आप वहाँ जाके 15 दिन के वीज़ा पे जाते हो, 1 महीने के वीज़ा पे जाते हो, तो उससे ज़्यादा आप स्टे नहीं कर सकते। और 20-30% तो सिर्फ एयरपोर्ट से ही वापस आ जाते हैं, जिनको इमिग्रेशन वहाँ पे एंट्री तक नहीं देती है। तो ये चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी। अभी भी आज तक मैं सोच रहा हूँ कि पिछले 2 साल से हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं इसके बारे में कि टूरिस्ट वीज़ा मत जाओ, आपको फ्रॉड और परेशानी आपके साथ हो सकती है। बट फिर भी आज के टाइम में हम एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में आता है, ऑनलाइन फेसबुक हो गया और बहुत जगह पे व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज आते हैं कि विजिट टू वर्क पे जाओ, वहाँ पे जाके पैसे कमाओ या वहाँ पे जाके वर्क परमिट कन्वर्ट हो जाएगा, सैलरीज बहुत अच्छी अच्छी दिखाई जाती हैं, 2200-2500-3000 रिंगिट दिखाई जाती हैं। तो इस चक्कर में आप ना पड़िएगा, ये एक ट्रैप है, ट्रैप इन द सेंस कि एक जाल है, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ से और 10-20-30 हज़ार या 40 हज़ार या 50-60-70 हज़ार कुछ भी अमाउंट लेके जो है वहाँ पे भेज दिया जाता है। जब वहाँ पे बंदा फंस जाता है तब उसको वर्क परमिट के नाम पे और पैसे मांगे जाते हैं, टोटल 1 लाख से लेके 2 लाख तक का कुछ भी जो है अमाउंट हो सकता है। तो उस चीज़ को आप सोच समझ के करिए कि टूरिस्ट वीज़ा पे कभी भी आप काम नहीं कर पाते, सिर्फ वर्क वीज़ा होना चाहिए। तो वर्क वीज़ा भी जो है वो आपको ये देखना पड़ता है आप क्या काम कर सकते हैं। अब कुछ एप्लीकेंट्स की कॉल्स आई और मैसेज हमें आते थे कि सर हम काम आप कोई भी करवा लीजिए, हमें बस पैसे से मतलब है। तो देखो होता क्या है कि आप इंडिया से पहले ही डिसाइड करके जाओ कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं। जब आप कोई वीज़ा अप्लाई करें तब आपको पता होना चाहिए मैं कौन से सेक्टर का क्या काम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। वहाँ पर जाके आपके माइंड में डाउट आएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ पर यहाँ से जब भी कोई कंपनी का वीज़ा लग के जाता है वो कॉन्ट्रैक्टर के लेके जाते हैं, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होके जाता है कि वहाँ पे जाके कम से कम एप्लीकेंट 3 साल काम करेगा। अगर वहाँ पे जाके कोई एप्लीकेंट काम नहीं करेगा तो उससे कंपनी का लॉस है, क्योंकि कंपनी ने 3 साल के टारगेट के हिसाब से जो है एप्लीकेंट को लेके जाते हैं कि हमने इनसे इतना काम करवाना है। उसमें सिर्फ कंपनी का नहीं, उसमें आपका भी लॉस, आप इंडिया से पैसे देके जा रहे हो वहाँ पे, वहाँ पे जाके अगर आप काम नहीं करते हो 2-3 महीने बाद बोलते हो जी मैंने घर जाना है, मेरे से काम नहीं हो रहा है, तो उससे बेटर है कि ना जाएं, वो इंडिया ही जो है अच्छा है। और वहाँ पे जाके आपको फिर कैंसिलेशन फीस, वीज़ा के 3 साल का जो वीज़ा हो तो उसकी कैंसिलेशन कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो इन चीज़ों से आप बचिए, जब भी जाना है तो एक माइंड प्रिपेयर करके जाइए, चाहे आप प्लांटेशन के जा रहे हैं, चाहे एग्रीकल्चर के वीज़ा पे जा रहे हैं, चाहे आप सर्विस सेक्टर के जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी वीज़ा पे जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के वीज़ा पे जा रहे हैं, जिसमें भी काम करना आसान नहीं होता है कहीं भी, क्योंकि घर जैसा माहौल तो कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि घर जैसी फैसिलिटीज़ मिलना इतना आसान नहीं होता है। वहाँ पर जाकर आपको काम भी करना पड़ेगा, कपड़े भी धोने पड़ेंगे, बर्तन भी धोने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन था वो ये था कि अब अगर हमारे साथ कोई वहाँ पे एजेंट ने ऑलरेडी फ्रॉड कर दिया है तो अगर वहाँ हम वहाँ पे हैं तो वहाँ पे हमारा परमिट आप किसी तरह से कन्वर्ट करवा सकते हो, हम पैसे पे करने के लिए रेडी हैं। तो देखो अभी तो हमारे पास ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है कि हम वहाँ पे जो एप्लीकेंट है हम उसका जो ओवरस्टे है उसका हम परमिट किसी को पैसे दे के या किसी तरह से हम करवा सकें, हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर या आउट पास लेके इंडिया आ जाइए या फिर इमिग्रेशन में सरेंडर करके जो भी जैसे भी आप स्पेशल पास लेके इंडिया आ सकते हैं। तो और कुछ एप्लीकेंट्स का था हमें क्वेश्चन कि A2A और A2B में क्या डिफरेंस होता है, तो मैंने आपको बताया कि डिफरेंसेस में कोई नहीं है, एज़ पर द गवर्नमेंट कोई भी A2B वीज़ा नहीं होता है,
ये होता है क्या है कि एजेंट्स की ने अपनी मीन्स आसान लैंग्वेज को बनाने के लिए किया हुआ है कि ए कंपनी का वीज़ा होगा, उसी कंपनी में काम करेगा, उसको ए टू ए बोल दिया गया है। अगर ए कंपनी में काम करेगा, ए कंपनी का वीज़ा होगा, बी में काम करेगा, उसको ए टू बी कह दिया गया है। तो ये सिर्फ अपना अपनी लैंग्वेज, गवर्नमेंट का ऐसा कोई वीज़ा नहीं होता है। सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि ए टू बी में पासपोर्ट हाथ में दे देते हैं, तो पर्सन के पास पासपोर्ट रहता है और एवरी ईयर उसको रिन्यू करवाते रहते हैं, बाकी सब कुछ सेम होता है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो ये था कि सर इंडिया से ही 3 साल का परमिट लग के जाता है, अगर वर्क परमिट अप्लाई करते हैं किसी भी सेक्टर का तो 3 साल का लग के जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 3 साल का जो मलेशियन गवर्नमेंट का रूल है, 3 साल का इंडिया से सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होके जाता है। वर्क परमिट जो है इंडिया से 3 मंथ का सिंगल एंट्री वीज़ा लग के जाता है, स्टिकर वीज़ा। उसके ऊपर मैंने वीडियोस भी बनाई हैं कि वर्क परमिट और टूरिस्ट वीज़ा में डिफरेंस क्या है और उसमें बारीकियां बताई हैं, तो मैं इस वीडियो में उतनी बारीकी से आपको नहीं बता पाऊंगा। मैं आपका उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उसमें से आप देख लेना कि कैसे जो है टूरिस्ट वीज़ा और वर्क वीज़ा किस हिसाब से लगता है। ये 3 महीने का इंडिया से लग के जाता है, 3 महीने का जो टाइम होता है वो इंडिया से जाने के लिए होता है, आप 90 दिन का टाइम, मीन्स आप 89th डे भी अगर जाएंगे तब भी आप वहाँ पर जा सकते हैं। और वहाँ पर जब आप जाते हैं तो एयरपोर्ट पर कंपनी पिकअप करने आती है, उसके बाद वहाँ पर आपको एंट्री मिलती है। एंट्री मिलने के बाद आपका मेडिकल होता है, सबसे पहले मेडिकल जो है अगर हो जाता है तो उसके बाद आपका 1 ईयर का पासपोर्ट पे स्टिकर लगता है। अगले साल फिर से मेडिकल होगा, फिर से 1 ईयर का, फिर से मेडिकल होगा, फिर से 1 ईयर का। ये जो है सारा खर्चा आपने कुछ नहीं करना होता है, जो वहाँ पे जाके है वो सब कंपनी ने करना होता है। इंडिया से जो भी आप सर्विस चार्जेस दे के जा रहे हैं, जो भी खर्चा दे के जा रहे हैं, आपने वही देना है, वहाँ जाके आपका कोई खर्चा नहीं होता है। तो ये चीज़ माइंड में बना के रखिएगा। कुछ एप्लीकेंट्स हमें बोलते हैं कि सर ये तो जब वीज़ा आ जाता है उसके बाद कि सर हमें जो है ये वीज़ा जो आप दे रहे हो तो टूरिस्ट वीज़ा है, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि टूरिस्ट वीज़ा और वर्क वीज़ा में बहुत डिफरेंस होता है। वीडियो आप प्रॉपर देख लीजिएगा हमारी, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या टूरिस्ट वीज़ा होता है, क्या वर्क वीज़ा होता है। अभी क्वेश्चन की लिस्ट तो बहुत ज़्यादा है पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इस करके मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा उसके बारे में। अभी जो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन और बता दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस थे और उनके आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद अब आता है कि हमारे पास कौन कौन से वर्क वीज़ा अभी अवेलेबल हैं। बट जैसे कोई भी 12वीं अभी उससे नीचे है तो हम उनको भेजते हैं, वो होता है प्लांटेशन और एग्रीकल्चर और फार्म का काम, खेती का काम होता है, खेती से रिलेटेड। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं एप्लीकेंट्स के लिए है जो मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि ये आउटडोर काम होता है, ये कोई भी शहर के बीच में काम नहीं होगा, ये काम बाहर होता है, ठीक है। बट इसमें क्या होता है कि इसमें खर्चा बहुत कम होता है। तो जो बाकी वीज़ा होते हैं जैसे सर्विस सेक्टर का वीज़ा हो गया, मैन्युफैक्चरिंग का हो गया, कंस्ट्रक्शन का हो गया, उन वीज़ा की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, जो कि सारे एप्लीकेंट्स जो हैं वो भर नहीं पाते हैं। सैलरी, ओवर टाइम और फैसिलिटीज़ सब में सेम होती है और कॉस्ट का लगभग 1.5 गुना से लेकर 2 गुना तक का फ़र्क हो जाता है कई बार। तो अभी जैसे आप प्लांटेशन में जाते हो तो उसमें आप लगभग 70,000 से लेके 90,000-95,000 तक का एक रेंज रहती है कि कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, 3 साल के वीज़ा का खर्च जो अराउंड रहता है। और जो मैन्युफैक्चरिंग हो गया वो काफ़ी 1.25 लाख, 1.5 लाख, 1.75 लाख, वो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है वो भी। मैं एक आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे पास ये सब कुछ है, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इसका कितना एवरेज कॉस्ट रहती है। तो जो प्लांटेशन का है, जो पर्सन मेहनत कर सकते हैं, जैसे जिन्होंने हल्का फुल्का कोई खेती का काम की नॉलेज हो, या फिर कुछ एप्लीकेंट्स हमने ऐसे भेजे जिन्होंने खेती का कभी नहीं किया है, बड़े वो बहुत अच्छा कर रहे हैं वहाँ पे। और कुछ एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने टफ काम किया होता है बट वहाँ पे जाके किसी की बातों में आके जो है वो, जैसे होता क्या है कि 10 का बैच अगर जा रहा है, 10 में से अगर एक भी पर्सन जो है वो ख़राब होता है, जिसने कभी काम नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ घूमने के पर्पज़ से, या फिर उनमें एक होता है शो ऑफ करना अपने फ्रेंड सर्कल को या अपने रिश्तेदारों की, मैं तो अब्रॉड गया था, विदेश काम करने के लिए गया था, वो टाइप के एप्लीकेंट जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो एक दो को अपने साथ और ख़राब करते हैं, वो एप्लीकेंट ना खुद सक्सेस हो पाते हैं ना दूसरे को होने देते हैं। इसी करके हमने अब लगभग पंजाब के एप्लीकेंट्स बहुत कम कर दिया लेना, क्योंकि पंजाब के एप्लीकेंट्स जो है कंपनीज़ ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया है कि वो जो है वो उनके पास उनका कंपनी का माइंड क्या है कि उनके पास पैसा होता है, वो सिर्फ यहाँ पे घूमने के लिए के पर्पस से आते हैं या फिर शो ऑफ के पर्पस से आते हैं कि उनके पास पैसा होता है और वो यहाँ आके जो है वो काम नहीं करते। तो
इसी करके अब हमने बहुत चूज़ करके एप्लीकेंट्स लेना शुरू कर दिया है। बट अभी क्या है कि अगर आप अभी जाना चाहते हैं, वीज़ा भी बहुत जल्दी आ रहा है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में वीज़ा आ रहा है। तो जो भी एप्लीकेंट मेहनत कर सकते हैं, 3 साल वहाँ पर लगा सकते हैं, पैसा सेव करना चाहते हैं, तो वो एप्लीकेंट्स जाएँ। तो कैटेगरीज हमारे पास कुछ ना कुछ हमेशा चलती रहती है, तो आप हमारे ऑफिस में कॉल करके भी कंफर्म कर सकते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज चल रही हैं। तो कभी हमारे पास प्लांटेशन का काम ऐसा है कि एवरी टाइम चलता रहता है, और कभी फैक्ट्री का काम आता रहता है, कभी हमारे पास कुछ और टाइप का गारमेंट्स का काम आता रहता है, तो इस टाइप के काम आते रहते हैं। तो ये आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम ऑलमोस्ट सब डालते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। I'm gonna go